नमस्कार दोस्तों, यूनिक गार्डन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो बीटल लीफ होता है, पान के पत्ते, उसको ग्रो करना हम लोग सीखेंगे। तो इसे मैंने लगभग 1 मंथ हो गया, 1 मंथ के करीब में मैंने इसे बाय किया था। इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, आप देख सकते हैं। ये जो है इसके पुराने पत्ते हैं, जो नए पत्ते हैं वो मेरे पास ग्रो किए हैं, तो काफ़ी स्पीडली ग्रो किए हैं, और ये इसका मौसम भी है। तो दोस्तों देखिए, ये जो नए पत्ते हैं, ये लगभग 3 पत्ते, ये तो ये वहीं का ग्रो था, लेकिन ये जो पत्ते थे यहाँ पे ग्रो किए, तो मैंने इसे इसके साथ अटैच नहीं किया। ये मैंने इसको जूट के बोरे को बांध दिया है और उस पर इसे चढ़ा दिया है, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। और इसे मैंने साइड में रख दिया था प्रोपगेशन करने के लिए ही, तो मैंने इसे केवल टच कर दिया था। तो इसको हम लोग प्रोपगेट करेंगे। तो दोस्तों, जो इस तरह के पत्ते होते हैं, जिनके पत्तों के पास से रूट फॉर्मेशन और ब्रांच फॉर्मेशन होती है, मतलब रूट भी यहीं से निकलते हैं, ब्रांचें भी यहीं से ग्रो करती हैं, तो ऐसा कोई भी प्लांट होगा तो आपको एक क्वायर स्टिक देना ही होगा। चाहे आप किसी भी चीज़ का आसानी से बना के दे सकते हैं, चाहे आप जूट के बोरे का बना दीजिए या जो नारियल का आता है क्वायर स्टिक, उसको कर सकते हैं। तो इसको प्रोपगेट करना काफ़ी आसान है। तो हम लोग, अगर आप ये जो एक पत हम लोग इसको प्रत्येक जो पत्ता वाला एरिया है यहाँ से ग्रो करेंगे, तो मैं इसको काट लेता हूँ। दोस्तों, मैंने इसकी सॉइल में 50% नॉर्मल सॉइल है और 50% जो गाय के गोबर होते हैं कंडे, मैंने उसे डाला, और 10% इसमें सैंड है, और उसी के मिश्रण में मैंने लगा दिया। इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दी, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो जो इस तरह के पत्ते, इस तरह के प्लांट होते हैं, उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हल्का सा इनको नाइट्रोजन मिलता रहे तो ये काफ़ी हरे रहते हैं। तो इसमें जो हमने गाय के कंडे डाले, उससे लगभग इसको काफ़ी समय तक इस तरह के नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहेगी। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। ये जो मिक्सचर है, इसमें कोकोपीट है, बर्मी कंपोस्ट है और कुछ पर्लाइट है, तो इसी में हम लोग ग्रो करेंगे। तो पहले इसको काट लेते हैं। ये जो ब्रांच है, देखिए, इसमें हम लोग ऐसे जो पौधे होते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, और भी बहुत सारे पौधे हैं पान के पत्ते, यहाँ पे देखिए इसके रूट खुद ही मतलब रूट छोटे छोटे निकल आते हैं, तो इसमें रूटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ती, और हम लोग एक पत्ते से ही एक पौधा बना लेंगे। तो जैसे कि ये हम लोगों ने काट दिया, इसको आराम से इधर देखिए, इसको ढक देना है इस तरह से। ये देखिए, ये जो पत्ता है ये इस तरह से कट गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का जो है रूट फॉर्मेशन यहाँ से होगा और ब्रांच भी यहीं से निकलेगी, तो इस तरह से आसानी से आप इसे लगा सकते हैं।
और ये जो है हम लोग यहाँ से नहीं कटेंगे, इसको पूरा हम लोग ग्रो करेंगे। हम लोग तीन ठो इस तरह से लगा दें। देखिए, और इसे ऊपर से पानी दे देंगे तो बिल्कुल आसानी से ये ग्रो हो जाएगी। और बिल्कुल आसान है इसको ग्रो करना। ये देखिए, ये जो रूट वाला एरिया है यहीं से ब्रांच भी निकलती है। आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये जो रूट वाला एरिया है यहीं से ब्रांच भी निकलती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो लंबा डंटी नहीं ले, अगर ग्रो करना है तो जैसे मैंने इसकी कटिंग की उसी तरह कटिंग करके, और कोई भी कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं, या कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण में भी ग्रो कर सकते हैं। इसको आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। और जो इसके पत्ते हैं इनके पत्तों में खास बात यह है कि इस पर अगर पानी हल्का दे देंगे ना तो ये हरा ही रहता है, ये जल्दी मुरझाता नहीं है, इसलिए इसकी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।